हेलो गाइस, अभी हम चकराता में ही थे। ये रात का व्यू है। मैं रात का कुछ डिटेल्स दे रही थी। और ये है वॉशरूम। और ये है कंप्लीट रूम। मैडी ने किसी को कॉल किया है तो वहाँ पे एक म्यूजिक आ रहा है और म्यूजिक मैं इसमें डाल नहीं सकती क्योंकि एक तो मेरे पहले ही वीडियो पे कॉपीराइट आ चुका है, जो मैंने फर्स्ट ब्लॉग डाला और फर्स्ट पे ही कॉपीराइट, और उसके वॉइस भी पता नहीं कैसे म्यूट हो कर दिया गया है, मुझे नहीं पता नहीं। हम रात के निकले हुए हैं, रात 9 बजे से निकले हुए हैं, अब तक हम बस वीडियो ब्लॉग ही सब बना रहे थे, हम थक चुके हैं और अब हमें सोने की जरूरत है। गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। अब हमारी सुबह अब हुई है और अभी टाइम हो रहा है 12 बजे हम उठ रहे हैं क्योंकि हम रात में, हम 9 बजे सो के 12 बजे उठे थे और हम नेक्स्ट जाने वाले थे। कहाँ जाने वाले? नेक्स्ट कहाँ जाने वाले? टाइगर हिल। हम जाने वाले टाइगर हिल। इससे पहले हम जल्दी से नहाएंगे और ब्रेकफास्ट करेंगे अपना और फटाफट से रेडी होंगे। तो स्किन केयर बहुत इम्पोर्टेंट है, जहाँ पूछा उसको लेके जाओ। तो मैं वेट कर रही हूँ तब से चाय का कि एक बार चाय आ जाए, चाय में पी लूँ और फिर ऑफिशियली मैं उठ जाऊंगी। तो मेरा आत्मा सोया हुआ, मैं ही उठी हूँ और मेरा है अंकी। बैकअप यहाँ से सिर्फ हम यहाँ पे लॉन्ग ड्राइव के लिए आए थे, हम और कुछ नहीं कर रहे हैं। चलो देख लो भाई, कुछ है तो नहीं क्या? फाइनली हम कहीं आउटिंग पे आए हैं, कहीं ना आउटर स्टेशन। व्यू बहुत जबरदस्त है यहाँ पे, मैं सबको बताऊंगी लोकेशन कहाँ है और सबको आना है यहाँ पे। मस्त, खतरनाक, बहुत प्यारा, सीरियसली। अब हम वापस से कुछ खाने के लिए आ गए हैं। एग फ्राइड राइस, तेरे लिए राजमा चावल, एक राजमा चावल मंगा लो और एक नूडल्स में मंगा लो। एक्सक्यूज मी, एक काम कर दोगे, एक पेपर और वो पेन दे दोगे? वो तो दे देंगे रुको, पहले तुम ऑर्डर ले लो। एक ऑर्डर ले राइस कर दो, ठीक है, एक वेज नूडल्स और एक राजमा चावल। कॉफी पियोगे ना साथ? कॉफी ये पहले पानी दे, चार कॉफी कर दो विद एक्स्ट्रा कॉफी। एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग कर दो भैया। पेन और वो ला दो, पेन और पेपर। पेन और पेपर भी दे देना यार, वो 6 करोड़ का चेक का पड़ा है ना, तब बोलेगा एकदम। बताओ क्या पूछ रहे? अरे यहाँ पे वो मिल जाएंगे लॉयर तेरे, मतलब यहाँ पे तो लॉयर लॉयर क्या होंगे? अरे वकील। अच्छा वकील, हाँ वो तो मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, वकील तो है लॉयर ना। रास्ते का ये पार्ट मुझे सबसे अच्छा लगा था। मैं एकदम फटाफट से बाहर आ गई और वीडियो बनाने लग गई थी। जो लेके जा रहे थे इनको, वो भी अंकल साइड हो गए, बहुत प्यारे थे वो, और वो ऐसे बोलते हैं हाँ आप कर लो कोई बात नहीं है। बहुत मतलब, एक तो यहाँ के लोग भी बहुत कोऑपरेट थे, आप कुछ भी करते हो या फिर आपको वीडियो लेना है तो मना नहीं करते। जैसे यहाँ पे है ना दिल्ली NCR में, किसी भी चीज़ का ब्लॉग या फिर वीडियो लो ना, वो डायरेक्ट मुँह पर मना कर देते हैं, नहीं आप नहीं ले सकते हो। ये है हमारा व्यू। अब हम रास्ते में जा रहे हैं ऋषिकेश जा रहे हैं, हम देहरादून में स्टे करने वाले हैं क्योंकि बीच में गए हमें काफ़ी टाइम हो गया था। और जगह तो यहाँ से ऋषिकेश पहुँचने में हमें 5-6 घंटे का टाइम लगता, तो हमने सोचा था बीच में हम देहरादून रुक लेंगे, उसके बाद हम आगे जाएंगे। ये रास्ते का व्यू था जहाँ पे हमने बहुत सारे पिक्स और वीडियो बनाए थे, वो मैं बाद में शो करूँगी। ये हम आ गए देहरादून, यहाँ मैं 10 साल बाद आई थी। 10 साल के बाद आई हूँ यहाँ पे। अब हम फाइनली पहुंच चुके हैं ऋषिकेश अपने वाले कैंप में। यहाँ पे मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर रखा है, वैसे रात काफ़ी हो चुकी थी, अराउंड 10-11 के आसपास उस टाइम पे हो रहा था,
और ये रास्ता बहुत डेंजरस लग रहा था। मैं नीचे जाने में ना बहुत उस टाइम पे खाइयों का कुछ पता नहीं होता, लाइट का कुछ पता नहीं होता, तो ऐसा बहुत डरावना सा लगता है। ये हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे फाइनली अपने कैंप में। अभी तो ये और भी डेवलप हो रहा है, तो नेक्स्ट टाइम जब मैं होपफुली जाऊँगी यहाँ पे कुछ और भी ज़्यादा सुंदर हो रखा होगा। वेट कर रही हूँ उस टाइम का। यहाँ पे हमने सबसे आते ही सबसे पहले हमने मैगी के लिए बोल दिया उनको, और मैं आग देख के बहुत खुश हुई क्योंकि ठंड बहुत थी उस टाइम पे। ये सब अपना अपना सामान निकाल के हम चल दिए अपने कैंप की तरफ, और अब हमें वेट है कि हमें जल्दी से मैगी मिले और हम जल्दी मैगी खा के सो जाए। तो तब तक मैगी भी बना दिया था उन्होंने जो वहाँ पे कुक हैं। और मैगी के बाद मैं अपने कैंप का कुछ अपडेट दे रही थी, पता नहीं अब मुझे याद भी नहीं है, अपने कैंप के अंदर थी। और इसका नेक्स्ट थर्ड पार्ट जल्दी ही आएगा, तब तक के लिए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में जल्दी ही। बाय।